गाइस तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जस्ट टेक्निकल। आज जो हम आपके लिए जो वाक्य लेके आए हैं वो मतलब कि टेक्निकल से उसका दूर दूर से कोई भी रिश्ता नहीं है। एक्चुअली हमें कुछ दोस्तों ने यूट्यूब्स में जो दोस्त हैं हमारे उन्होंने हमें एक लोकेशन के बारे में बताया था। तो हम ऐसे ही थोड़े एक दो दोस्त थे जो घूमने के लिए गए वहाँ। हमने पता किया वहाँ पे कि क्या मामलात हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ यानी कि सीरियसली हमने इधर कुछ भी नहीं लिया है, मगर जो इसमें एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो बिल्कुल रियल हैं। वो आप चेक कर सकते हैं, इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं हुई है, बस इसमें कुछ शॉर्ट्स अलग अलग लिए गए हैं। तो मैं जब वहाँ पे शूट हो रहा था तब मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। और लास्ट में मैं एक कांच की बोतल थी जो टूटी हुई वहाँ पे देखने के बाद मैंने वो वीडियो बंद की। उसके बाद मैंने बोला, चौकीदार को भी बोला और ख़ुद अपने जो एक और दोस्त था हमारे साथ मैंने उनको भी बोला, मैंने अब हम यहाँ से चलते हैं, ये ना हो कि बाद में कुछ प्रॉब्लम हो जाए बहुत बड़ी। तो हमने ज़्यादा वहाँ पे कुछ नहीं किया, मगर जितनी देर हम वहाँ पर रहे हमें पूरा रिस्पॉन्स मिला है। तो हमने ज़्यादातर नॉर्मली ही लिया है वहाँ पे, ज़्यादा हंसने की ही बातें की हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम वहाँ पे जाकर सीरियस हो जाएं। अगर हम सीरियस हो जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए हमने वहाँ पे पूरा काम रहने की कोशिश की है। मगर कुछ घर के बैक साइड में जब मैं अकेला गया था तो मेरे साथ वाकया हुआ था। तो आप पूरी वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप मेरी मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी है वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो गाइस, आज हम लोकेशन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे किसी ने बताया था कि यहाँ पे रात को बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, तो हम आज पता करने आए हैं दिन में, क्योंकि रात पे हमारे यहाँ आने की औकात नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे, देखिए आप जगह देख सकते हैं, तीन चार कमरे हैं, बीच में सीढ़ियाँ हैं और लोग रात को बोलते हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप शीशे सारे टूटे हुए हैं। यहाँ का इतिहास है कि यहाँ पे पहले एक कोठा हुआ करता था। तो तो जो जो आप राइट साइड में देख रहे हो, यहाँ पे पहले एक कोठा हुआ करता था। राइट साइड में जो कोठे की जो मालकिन थी उसका कमरा था ये वाला जो सामने दिखाई दे रहा है आपको। और जो यहाँ पर तीन तीन लड़कियाँ थी यहाँ पे जो मशहूर थी, इनकी जो मैं फेमस थी, उनके अलग अलग तीन कमरे थे जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। तो कहा गया है कि ये एक दिन जो इनका कुछ ऐसा हुआ था कि लड़के कुछ ऐसे आए थे जिन्होंने इनका कोई ऐसा गलत कुछ किया तो इनका मर्डर कर दिया उन्होंने। हमारे साथ यहाँ पे अभी यहाँ के चौकीदार बने हुए हैं। तो आप चौकीदार सर, आप मुझे बता सकते हैं इन जो तीन कमरों जो थे, हमें बोला जाता है कि रात को यहाँ से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं और बहुत सारे सर लोग देखो, यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो आप बता सकते हैं रात को यहाँ पर क्या होता है? आवाज़ें तो आती हैं। एक होता है ना कि एक आवाज़ आती है कि बचाओ, क्योंकि बात यह है कि पहले उनके साथ तो दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म क्या बोल सकते हैं आपको, यहाँ पे पहले ये कोठा तो था पहले ना। कोठा था, वो तो हो गया होगा। पहले आवाज़ क्या कि जो लड़के थे वो कोई गैंगस्टर फैमिली से या गैंगस्टर से कुछ अच्छा, आवाज़ें उन्होंने आ गोली रही। मार दी होगी प्राइवेट पार्ट पे। नहीं नहीं उनको गोली नहीं मारेगी, उन्होंने ना उनके जो चाकू से उनके वार किए, तीनों तीनों बंदे थे। यानी हाँ कहने के बाद वहां पे वो चाकू से वार किया। जी, तीनों इकट्ठे थे, तीनों ने चाकू से वार तो किया। आप मुझे बताइए कि आपको रात को क्या नजर आता है यहाँ पे? नज़र तो कुछ नहीं आ रहा, अच्छा, बेड के हिलने की आवाज़ की आवाज़ आएगी तो चूं चूं की आवाज़ तो आएगी तो आएगी। आज हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अंदर? जी बिल्कुल, आइए। तो आइए हम चलते हैं आज। आज हमारे साथ हैं जोगिंदर सिंह, यहाँ के जो चौकीदार हैं। आज हम देखेंगे यहाँ पे कैसा चल रहा है माहौल। हमें बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि यहाँ पे आके देखो भाई क्या चीज़ पहले चल हम रही है, आपको क्या नहीं लेके चल रही। जाएंगे, पहले हम आपको जो यहाँ की मालकिन थी उसके रूम में लेके जाएंगे। अच्छा, पहले मालकिन थी उसके। मगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि जो तीन रूम है वहाँ पे ताला लगा हुआ है। वो हम बारिश से आपको दिखा देंगे, पहले मालकिन ये रूम यहाँ पे खुलके। खिड़की खुली है तो आप बता सकते हैं ये खिड़की के जरिए भूत आता है या फिर खिड़की के जरिए लड़के आते हैं यहाँ पे? रात को जाती है। ओके, यहाँ पे था सर पहले टिकट काउंटर,
पहले यहाँ पे टिकट काउंटर था, अभी यहाँ पे बेंच वगैरह रख के, बेंच मतलब रश बहुत होता था इस कोठे में। अच्छा, यानी कि बेंच के ऊपर बेंच में लड़के बैठे हुए थे, होते थे तो यहाँ से टिकट काट के देते थे। अच्छा, अब रश बहुत हो गया है इसलिए बेंच जो पुराने बहुत साल पुराने की है, 5 साल पुराने की बात कर रही है। अच्छा अच्छा, हाँ जी आपको बता दूँ वहाँ पे 3 लड़कियाँ थी। जब रश हो गया था सर जी, ये काम था अनीता कुमारी का। अच्छा, अनीता कुमारी उसका फैन था। अच्छा जी, चक्कर सर ये है कि उसने ना बहुत सारे लोग जो खुश कराए हुए थे। अच्छा, मैं कोई इसे यहाँ यहाँ के बारे में आप बताइए, इस कमरे में क्या होता था यहाँ पे? यहाँ पे मेरे को कुछ लग रहा है इनके एक चूतिया मार्गी ना थे। अच्छा, मगर यहाँ पे ताला लगा हुआ है तो ताला कैसे खोलेंगे आप? ये देखो ना, ताला ये और लगा गवर्नमेंट ने बैन करवा दिया इसलिए। अच्छा, बैन करवा दिया क्योंकि यहाँ पे कोठा जो बहुत पुराना था। अच्छा, कोठा चल नहीं रहा। अच्छा, गवर्नमेंट जब यहाँ पे हत्या हुई तो गवर्नमेंट ने बैन करवा दिया। मैं जहाँ तक मैंने सुना है ना, यहाँ पे ये जो अनिता कुमारी का आपको मैंने बता दिया। हाँ जी, यहाँ पे थी ये, यहाँ मैंने सुना था यहाँ पे रामदेवी रहती थी। वो अच्छा, ये वाला ये रामदेवी का। अच्छा, ऊपर चिप्स भी पड़े हुए हैं, पता ही नहीं कर रहा है। ऊपर चिप्स का पैकेट पड़ा हुआ, आप बता सकते हैं यहाँ पे चिप्स का पैकेट पे क्या कर रहा है? पहले का नहीं है, पहले का नहीं है। अच्छा, ये अब रखा गया क्योंकि राम दिवाली राम जो प्यारी थी। हाँ जी, उसका ही आ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, पैक में कुछ चुप किया। अच्छा, तो आप ये अभी कमरा खोल नहीं सकते? नहीं। क्यों? गवर्नमेंट के पास से लॉक किया हुआ है, हम नहीं खोल सकते। अच्छा, ये दो कमरे से जो सगी बहनों के थे? नहीं सर, हमें एक्चुअली बात ऐसी है कि हमें सिर्फ फ़ोन यूट्यूब में मैसेज किए गए थे कि भाई यहाँ पे जो है रात को आवाज़ें आती हैं तुम आत्माओं की, और बाद में सर फिर वो बचाओ बचाओ की आवाज़ करती हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। प्रिया और नेहा, ओके, ये फेमस थी यहाँ की, तो जो लड़के आए थी। अच्छा, इनकी फ्रेंड थी। अच्छा, एक किधर थी? ओके ओके ओके, हाँ हाँ। तो इन तीनों का आज बोला कस्टमर है, यहाँ से कोई गैंगस्टर थे। अच्छा, तीन यार गैंगस्टर थे ये, हमारे एक आर्मी वाले फौजी भाई हैं, वो यहाँ पे ड्यूटी देते हैं। हाँ, सामने आप देख सकते हैं, तो आती हैं। यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, तो उन्होंने हमें कहा था कि भाई यहाँ से रात को बहुत ही आवाज़ें आती हैं, जिस वजह से वो रात को अच्छे से ड्यूटी कर नहीं पाते हैं। तो कई बार उनके सामने से भी बहुत सारी चीज़ें गुजरी हैं, मगर उन्होंने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे, ये गेट है, यहाँ पे गेट आप देख सकते हैं, इस गेट पे रात को बोलते थे पहले खटकने की आवाज़, जैसे खटकने की आवाज़ आती है उसके बाद ही यहाँ पे प्रोग्राम शुरू हो जाता है। या तो पहले चिल्लाने की आवाज़ आती है, करहाने की आवाज़ आती है, फिर उसके बाद यहाँ पूरे कमरों में यहाँ पे एक आवाज़ आती है जो कि आप जानते हैं। तो बोलते हैं कि इन सीढ़ियों के नीचे से भी आवाज़ आती है, मगर सीढ़ियों के नीचे से अभी मैं देख रहा हूँ तो अभी यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे सिर्फ गंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर, यहाँ पर राम प्यारी, हाँ जी हाँ जी, तो राम प्यारी जिनको चिप्स चाहिए थे, खुले में रहना पसंद था। अच्छा, रात को 8 बजे के बाद अगर बंदे का मूड बनता है, कोई भी आ नहीं सकता। नहीं, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि अगर रात के 8 बजे के बाद यहाँ पे अगर बंदे का अगर मूड बनेगा शराब पी के यहाँ पे बैठने, क्योंकि घर पे तो कोई अलाउड नहीं करता, इसलिए यहाँ पे आके बैठ जाते हैं जो आसपास के लोग हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर वो यहाँ पे आते हैं तो आप चौकीदार हैं, आप रात को 8 बजे के बाद कहाँ पे होते हैं? आपको बताऊँ, पहले तो मैं यहाँ पे अंदर इस जो इनकी मार्केट थी इनके कमरे में सोता था। जी जी, जो समय आपको सामने कमरा दिख रहा है। हाँ जी हाँ जी, अब ये है कि मेरे को, मैं भी खुद डरने लगा हूँ। अच्छा, आप डरने लगे? वो जो सामने गेट दिख रहा है आपको, जी गेट से बाहर ही जाता हूँ, गेट के बाहर रहते हैं जी, मुझे आवाज़ तब भी आती है। अच्छा, बचाओ की आवाज़ आती है कि बचाओ। अच्छा, देखो फिर मैं, यानी कि जैसा वो उस रूह के साथ गुजरा हुआ है वो पहले वैसे ही बताती है आपको। मगर आप मुझे बताते, आपने कभी जब आवाज़ आई तब आपने इन कमरों के अंदर जाके देखा है कभी? जी देखिए, ये जो जब से कांड हुआ था ये साथे हुसैन की जी, तब से ये गवर्नमेंट की तरफ से बंद किया गया। तो अच्छा, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया हो तो आप इसके अंदर नहीं जा सकते। मगर आप मुझे बताइए, इस कमरे का जो है, इस कमरे की खिड़की खुली है, मैं आपको बता देता हूँ यूट्यूब के लिए, यहाँ पे फैंस के लिए बता दें, यहाँ पे खिड़की खुली है, यहाँ पे शीशे भी नहीं है, तो आप अंदर का यहाँ पे नज़रात देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ
डेस्क डेस्क पड़े हैं। पहले स्कूल होता था, उसके बाद स्कूल यहाँ पे बंद हो गया। यहाँ पे वाटर कूलर पड़ा है, आप देख सकते हैं ये वाटर कूलर पड़ा है। तो यहाँ से कमरा बंद कर दिया गया हुआ उस घटना के बाद। तो आप मुझे ये बताइए सर, जब भी यहाँ पे रात को आवाज़ आती तो उससे पहले कोई यहाँ पे आता है या नहीं आता है कोई? क्या रात को यहाँ पे कोई आता है 8 बजे के बाद? मैं आप कह रहा हूँ मेरे जब तक मैं अपने 5 साल हो गए इस यहाँ पे चुनकारी करते हुए। अच्छा जी, 8 बजे का मैं अंदर अब देखने आया हूँ। अच्छा, 8 बजे के बाद आपको यानी कि डर लगने शुरू हो जाता है? स्टार्टिंग में एक दो महीने रहा मैं, मैंने सोचा कोई ऐसे कोई मेरे को तंग कर रहे हैं लोग, स्थानीय लोग जो होते हैं पास रहते हैं जी। मगर जब मैंने किया कोई यहाँ पे पास के यहाँ बैठा तो मेरे को ऐसा लगा कि कमरे से आवाज़ आ रही है मेरे को। इस कमरे से आवाज़ आ रही है? जी जी, ये दो कमरे हैं जो। हाँ जी, यहाँ से आवाज़ आ रही है। पहले बचाओ, तो मेरे को लगा कि हाँ कुछ तो है। मतलब आपको पूरा याद है कि कैसी आवाज़ आती है आपको, यानी कि सुन सुन के याद हो गया आपको? एक मिनट लगातार मैं जो सेम आवाज़ सुनूंगा तो मेरे को तो हर एक आवाज़ हर एक वर्ड। तो आप मुझे बता सकते हैं इन सीढ़ी के ऊपर क्या होता है? सीढ़ी के ऊपर हमने एक मिनट हमने सुना बहुत बार है कि इन सीढ़ी के ऊपर से रात के 8 बजे के बाद ऊपर छत पे बहुत से लोग देखे गए हैं, मगर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ऊपर जाने के लिए जगह तो है मगर यहाँ ऊपर सरिये पड़े हुए हैं। तो क्या सरिये की आवाज़ आती है हवा के चलने से या फिर? जो मैंने जो आपको बताया कि वो कमरे की आवाज़ बताई, ठीक है? अच्छा, वो कमरे की आवाज़ आती है। हाँ जी, जो जो आवाज़ और जो आती है जो छत से आवाज़ आती है ना, वो पता क्या आती है जी? जैसे पहले जो टाइम था ना। हाँ जी, यह मैंने माना गया है कि जो ये लड़कियों की हत्या हुई थी ना जी, उसके बाद 4-5 लड़कियों ने सुसाइड भी किया था उनको देख के, यानी कि जब यहाँ पर उसके अगले दिन यहाँ पर सुसाइड होना शुरू हो गई जी। तो उन सुसाइड, क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है। हाँ जी, तो आप यानी कि फिर 8 बजे के बाद बाहर जाते हैं? अच्छा जी, छोटे कमरे में तो ऐसे आवाज़ आती हैं, ऐसे आपको आवाज़ें आती है रात को? पहले जो ये पुराना कोटा था ना जब चल रहा था। हाँ जी, लड़की ऊपर बैठी होती थी, ऊपर से शायद मालूम लगो वो कस्टमर को कि अंदर आ जाओ, तो वही आवाज़ें अभी ही सुनाई देती हैं। तो आप मुझे ये बताइए, जिनका ये स्कूल है जो पहले स्कूल था उसके बाद उन्होंने स्कूल बंद होने के बाद यहाँ पर कोठा बना दिया गया, तो ये आपको तनख्वाह देते हैं? देखिए तनख्वाह हुआ की आप बात करें, जो 2000 मिलता है मेरे को वो भी एक मंथ का, मगर ये देते हैं 3 मंथ के बाद इकट्ठे, 3-3 महीने के बाद आपको तनख्वाह देते हैं। तो आपसे उन्होंने कभी पूछा कि भाई यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कभी आए वो यहाँ पे? प्रॉब्लम सुनता कोई नहीं, मैं जो बोलता हूँ वो कहते हैं पागल बोल रहा है। अच्छा, आपको यानी कि पागल घोषित कर दिया गया यहाँ पे? जी बिल्कुल सही, मगर तब भी आप यहाँ पे चौकीदारी कर रहे हैं? देखिए ना, पेड़ तो आप रोज रोटी क्या करना है, काम तो छोड़ सकते ना, पेड़ तो भरना ही है, काम तो कोई ना कोई करना ही है। वैसे मेरा रिस्क है काम तो, मगर मेरे को पता है ये सच्ची रोए हैं जी, कैसा गलत हुआ है और ये मुझे कभी नहीं पहुँचाएंगे नुकसान। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आपको रात को आवाज़ें आती हों तब आपको क्या ये आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ तो हमें इंसाफ दिया जाए? वो तो होगी ना बात हमारे जो सोचें, हम जो सोचेंगे, मगर हम तो आ नहीं सकते यहाँ पर। हाँ जी, इतने यार आप देखो आपको आवाज़ आ रही है, आप कहाँ जाओगे उसके पास? क्या हम इन सीढ़ियों के ऊपर जा कर देख सकते हैं? बिल्कुल आप जाइए। तो क्या हम एक राउंड लगा लें ऊपर का? अभी जा रहे हो जी, तो बेसिक चले जाइए, लेकिन मगर मतलब कि अपने रिस्क पे, अपने रिस्क पे है, क्योंकि अगर आपको रात को कोई आवाज़ सुनाई दे सपने अलग अलग है, मतलब कि आपको जबरदस्ती भेज जी, आपके कहने का मतलब कि हम यहाँ से जहाँ से ऊपर से राउंड लगाएंगे अभी, आप वीडियो बना रहे हो जो ये देख भी रहे हो ना जी, उसको भी कुछ ना कुछ हो सकता है रात को। नहीं, आप मुझे ये बताइए ना आपके यानी कि आपके कहने का मतलब ये है, 5 साल हो गए ना इस कह रहे हैं जी जी, एक ही बार छत पे गया जी जी, आपको ज़्यादा पता होगा एक ही बार छत पे गया, क्योंकि जस्ट फर्स्ट टाइम में गया था ना, मेरी रात को नींद नहीं आई थी मुझे। अच्छा, जब मैं आंखें बंद कर रहा था मेरे को 5 लड़कियाँ फांसी में लटकी हुई मिली। अच्छा, और 2-3 लड़के जो हमें कत्ल हुआ उनका दिखता है जी। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि अगर हम छत के ऊपर से राउंड लगाएंगे तो हमें अगर हम घर जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो वो हमारे साथ हो जाएंगे, यानी कि हमारे साथ हो जाएंगी वो जी जी। अच्छा जी, तो क्या हम एक बार लगा सकते हैं ऊपर चक्कर? यानी कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है किसी का? तो ठीक है सर, तो गाइस हम ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे नीचे रहेंगे या ऊपर जाएंगे? नीचे रहेंगे भैया। यानी कि आपको ऊपर आने से डर लगता है? मेरे को डर लगता है सर। आपको डर लगता है? जी जी। आप कभी गए हैं अकेले ऊपर? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं गया। ठीक है, तो हम अभी ऊपर जाके आते हैं। तो यानी कि आप अभी नीचे बैठे रहेंगे या फिर चले जाएंगे यहाँ से? अच्छा, आप नीचे रहेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर।
यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ऊपर जाने के लिए। तो सीढ़ियाँ यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, मगर यहाँ पे ऊपर कुछ बना नहीं है, यानी कि एक तरीके का यहाँ पे लेंटर बना हुआ है। तो यहाँ पे कोई आ नहीं सकता, मगर पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़े पेड़, घने पेड़ लगे हुए हैं, साथ में ही रोड है, मगर पीछे बहुत ही घने यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। और दूर दूर तक तो आप जहाँ पे आर्मी एरिया की यहाँ पे नज़र आ रही है आपको दीवार, ये देखिए, इससे पहले पहले यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आएगा आपको। और यहाँ पे खुद ब खुद यहाँ पे झाड़ियाँ उठी हुई हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं जो इसके पीछे भी घर हैं। पीछे के घर देखिए आप, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नहीं रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए एक घर भी है, यहाँ इस साइड पे यहाँ पे एक घर है, वहाँ पे भी आपको कोई नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए अच्छे से देखिए यहाँ। तो अभी हम यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ पे पीछे की तरफ, ये घर के पीछे की तरफ है, आपको यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा है। अभी तो हम रात को आए, रात को तो आ नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि रात को इन चौकीदार ने हमें मना किया हुआ है कि जो भी हो जाए रात को 8 बजे के बाद हम यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि कुछ भी गलत हो जाएगा तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है उनके मालिक ने, तो वो नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा कि 8 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आएगा, कोई भी यहाँ पे ना एपिसोड शूट कर सकता है, ना ही कोई ऐसे कैमरे के साथ यहाँ पे आ सकता है। यानी कि एक तरीके से बात सही है कि इनकी तरफ से बोला जा रहा है कि रात को यहाँ पे आवाज़ें आती हैं। अभी देखिए यहाँ पे हवा चलना शुरू हो गई है, जैसे हमने बात की यहाँ पे, यानी कि अगर हम रह भी सकते थे यहाँ पे रात को, मगर उन्होंने, रूहों ने पहले ही हमें बता दिया है कि यहाँ पे हम रह नहीं सकते, क्योंकि ये घर उनका है, उन्होंने पूरा कब्ज़ा कर लिया हुआ है, तो हम यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए हर जगह में ताले लगे हुए हैं, आस पास के आप घर देख सकते हैं, मगर दूर दूर तक आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आएगा आपको यहाँ पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बस्ती होती है, आप एक घर से देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ साल से कुछ बंदे यहाँ पे रहते नहीं हैं। और ये रास्ता यहाँ से होता हुआ जा रहा है अगला, यहाँ पे ये देखिए आपको मैं आगे दूसरा घर बता रहा हूँ, दूसरा इस झाड़ी के पीछे एक दूसरा घर भी है। तो यहाँ पे पिछले 12 साल से कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर है कि भाई हम यहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि रात को जो आवाज़ें आती हैं उस वजह से यहाँ पे हर किसी का जीना जो है दुश्वार हो चुका है, और इसीलिए यहाँ पे रात को कोई नहीं आता। इसीलिए हम यहाँ पे दिन में एपिसोड करने आए हैं, शूट करने आए हैं, यहाँ पे एपिसोड पूरा करने आए हैं, हम रात को नहीं आ सकते हैं, क्योंकि रात के टाइम पर यहाँ पर चौकीदार जी ने बोला है कि यहाँ पर रात के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं, तो 8 बजे के बाद वो खुद भी भाग जाते हैं यहाँ से। तो हम एक बार पूरा यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे, हम यहाँ से नीचे जाएंगे, ऊपर से पूरा देख लिया हुआ, यहाँ पर चौकीदार जी अभी तक बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। देखिए पहला ये जो कमरा है यहाँ पर, उन्होंने जो नाम बताया मुझे नाम याद नहीं है, मगर इस कमरे में स्टार्टिंग से पहले यहीं पर आवाज़ आती थी, मगर आप देख सकते हैं इस कमरे पर भी यहाँ पर ताला बजा हुआ है, तो कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता। तो अगला आप देख सकते हैं ये दूसरा कमरा है यहाँ पे, इस कमरे की हालत देखिए आप, इस कमरे की हालत देखिए, ये कमरा खोल भी नहीं सकता। ये देखिए यहाँ से अगर हम खोलेंगे तो ये टूट के हाथ में आ जाएगा, तो इसे हम खोल नहीं सकते, यहाँ पर ताला बजा हुआ है। तो आप नीचे का नज़ारा देख ही सकते हैं कि अगर कोई चीज़ बंद हो तो यहाँ पर गंद तो पड़ता ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की जो वायरिंग है वो भी उखड़ी हुई है, मैं देख सकते हैं आप आराम से। और जो रियलिटी में जो बात है वो ये है कि यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे 3 औरतें यहाँ पे मरी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, यहाँ पे ताला बजा हुआ है, बोर्ड है कि गवर्नमेंट की तरफ से बंद किया हुआ है। अब हम कुछ पता कर नहीं सकते कि क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बंद है। ये दूसरा कमरा है, इस पे देखिए ताला कुछ बड़ा ही लगा हुआ है। तो हम एक बात है,
तो हम आपसे पूछ सकते हैं, आप बोल रहे हैं कि इस कमरे में सबसे ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, क्यों अभी आप उसे बुला सकते हैं? आप इसे आप अगर बुला सकते हैं तो जी बिल्कुल बुला मुझे सकते हैं। बताइए कि ये जो कमरा है इससे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं आपको, तो आप कह रहे हैं कि अभी आप यहाँ से जा रहे हैं, अभी तो मैं जा रहा हूँ सर, अभी आप क्यों जा रहे अभी हैं? अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है। टाइम जो हो गया ना इस टाइम तक आवाज़ आ रही, क्योंकि यह सुनसान एरिया है मतलब और जो कि है इस टाइम टाइम से है। आपको यहाँ पे चीज़ों का हिलना जुलना शुरू हो जी जाता है? देख देखिए आप आए हैं तभी मैं अंदर बैठा हूँ, नहीं तो मैं जी अंदर बैठता नहीं हूँ, मैं बाहर ही अच्छा हूँ, जी, बाहर ही हम बाहर यानी कि रह आप रहे हैं अकेला ही नहीं रह सकते यहाँ पे। बिल्कुल भी नहीं। अकेला क्या, पांच बंदे हो तब मैं रहना यहाँ पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि अच्छा तो अकेले ठीक है, अभी बाहर आप जा रहे रहना। हैं यहाँ से, जी, मैं ठीक क्योंकि है, बाहर तो बाहर रहना मेरे हम को आपको भी। बताना चाहते हैं कि हाँ आप यहाँ से जा रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पे रुकेंगे, हम देखिए देखेंगे। आपने जो करना करी, क्योंकि मेरे को तो मेरे सेफ नहीं लगता यहाँ पर। ठीक है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे यहाँ चेक करेंगे कि कहाँ से क्या आवाज़ें आती हैं, उसके बाद आप ठीक है कोई बात नहीं। तो देखिए गैस ये यहाँ से जा रहे हैं, इनके पास अभी कोई चारा नहीं है क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है यहाँ पे। तो ठीक है कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम यहीं पे हैं, हम पूरा एक्सप्लोर करके जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कोई भी नहीं है, कोई भी, आपका पूरा कैमरा ऐसे घुमा के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ना सीढ़ियों के ऊपर है ना कोई सामने खड़ा है, और ये देखिए वो चले गए हैं बाहर। तो अब हम यहाँ पे इस कमरे को एक्सप्लोर करेंगे। देखिए अभी हम इस कमरे के पास जा रहे हैं, देखिए हम यहाँ से फिर से आ रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई है क्या नहीं। है तो कोई भी नहीं, आवाज़ तो आ रही नहीं किसी की। चौकीदार भी यहाँ से चले गए, अब तो मैं अकेले ही हूँ, कोई है तो कोई जी रिस्पांस तो कर दो। मेरे को लगता है यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो देखिए यहाँ पे आवाज़ सुनाई दे रही है किसी की, चौकीदार को गलत नहीं बोल रहा था, यहाँ पर लगता है कोई तो है। कौन है यहाँ अंदर प्लीज? देखिए आपको आवाज़ आ रही है, क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे तो डर लग रहा है यहाँ पर। आवाज़ देखिए कोई भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान। देखिए कौन है, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ओ यहाँ पे आवाज़ सुनाई दे रही है, देखिए आपको आवाज़ भी आ रही है। अब देखो मैं यहाँ से आपको बारिश से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आवाज़ सुना दो, आवाज़ सुनो आप, सिर्फ देखो कोई बंदा नहीं, कुछ भी नहीं, आवाज़ कहाँ से आ रही है आवाज़ से? वो देखिए ये देखो, मैं तो वो देखो, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल तो यहाँ पे लगता है मैं फंस गया हूँ यहाँ पर। चौकीदार भी चला गया, मुझे पता नहीं यहाँ पे एग्जिट कैसे करना पड़ेगा। अब आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, ये वो कोठा था, वो देखो। इस कमरे से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, तो हम इस कमरे से थोड़ा दूर जाते हैं ताकि कुछ ज़्यादा ना हो जाए। तो हम इस कमरे की तरफ चले, यहाँ पर तीन तीन थे, तीन तीन लड़कियों की आवाज़ें, हम इस कमरे के अंदर पहले देख लेते हैं, तो उसके बाद कोशिश करेंगे अगर हमें अंदर जाने को मिला है तो हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ क्लासेस बेंचेस पड़े हैं खाली। अभी हम आगे तीसरे कमरे में जाकर देखते हैं। यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ पा रहा है ज़्यादातर, क्योंकि खाड़ी सारी खिड़कियाँ यहाँ पे बंद हुई हुई पड़ी हैं। तो ये यहाँ का बैक साइड है, बैक साइड एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक दरवाज़ा एक है यहाँ पे, ये बिल्कुल खाली पड़ा है यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है।
देखिए आप यहाँ पे आपका पूरे यहाँ पे एक्सप्लोर कराऊंगा मैं, ज़्यादा कुछ डरने की बात नहीं, क्योंकि दिन की दिन है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिन के टाइम पे हम कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि चौकीदार ने बोला है हमें कि 8 बजे के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। तो यह भी हिला है यहाँ पे, कौन है, कौन है यहाँ पे, अभी तो कोई शोर नहीं हो पा रहा, आगे चल के देखते हैं। यहाँ से कोई गुजरा है अभी, कैमरे में पता नहीं शूट हुआ है कि नहीं, मगर यहाँ से अभी कोई गुजरा है। यहाँ से कुछ होने पर है, मगर बाहर एक एक टाइम से हवा चलना शुरू हो चुकी है यहाँ पे। देखिए गाइस, मेरे बातों का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि इस टाइम पे मैं घबराने शुरू हो गया हूँ, क्योंकि जब से मैंने देखा यहाँ पे यहाँ से कोई गुजरा है। तो गाइस प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा हर एक चीज़ को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हिल रही हैं, आगे रास्ता बंद है, आगे रास्ता कुछ नहीं है। हो कौन था, कोई तो था यहाँ पे भाई। देखिए आप जो भी हैं बिना नुकसान पहुँचाए सामने आइए, हमें आपको यहाँ पे नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, हम सिर्फ आपसे बात करने आए हैं, क्योंकि यहाँ से लोगों को परेशानी है कुछ, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ के रूप में यहाँ पे आ सकते हैं, अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। किसके पास थी, नहीं कोई नहीं है, मुझे लग रहा है यहाँ पे अंदर कोई है, अंदर का मैं साफ से देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे खुला हुआ, ये देखिए। आप देख सकते हैं वो देखिए अंदर लगी, कहाँ की गाइस, गायब हो गई है गाइस। ओह शिट, मैं तो यहाँ से भाई दूसरी साइड जा रहा हूँ, अगले वाली साइड। एक तो यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है ये खाली क्यों पड़ा हुआ है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे घर भी खाली पड़े हैं, यहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है। देखिए यहाँ पे गाय वाले आए हैं यहाँ पे गाय चराने के लिए, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तब हम यहाँ पे पूरा कन्फर्म करेंगे, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं। चुक सर, हेलो हेलो, क्या हो सर आपको, अचानक से कुछ में कुछ चमक सी हुई है आपको, यानी कि कुछ महसूस हो रहा है आपके अंदर, आप ठीक तो है ना, मेरे को बड़ी दोस्त मुंह में वहाँ खड़ा था,
अच्छा धक्का लगा तो मैं यहाँ से पढ़ा तो मैं आपने आपको उठाया मुझे तो होश ही नहीं थी कि मैं कैसे उठा। वही मैंने यहाँ से अभी पीछे गया था, मैं पीछे से एक्सप्लोर करके वहाँ पे पीछे से भी मेरे को दो तीन कुछ झलके महसूस हुई हैं। अकेले रहना सेफ नहीं है इसलिए आप निकले यहाँ से। तो यहाँ से हमें निकलना चाहिए। तो आप तो यहाँ से गेट से बाहर थे, आप अंदर कैसे आए? आप मेरे को पता था कि आप अकेले हो, मुझे पता आप सेफ नहीं हो। जैसे मैं यहाँ पहुँचा ना तो मुझे यहाँ से धक्का लगा तो मैं यहाँ आके गिर रहा हूँ। चलो 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 गाइस, चलो 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 दौड़ो चलो। हम थोड़ी देर बाद फिर से आएंगे यहाँ पे, जब जब माहौल यहाँ पे ठीक हो जाएगा तब हम दोबारा आएंगे यहाँ पे। अभी यहाँ से तो अभी हम एक घंटे बाद दोबारा आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अभी शांत पड़ा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि जिस टाइम हम पहले आए थे तो तब बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटी होना शुरू हो गई थी। तो अभी हम थोड़ा आराम से जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम आए हैं तो पक्षी जो है उड़ने शुरू हो चुके हुए हैं। तो जिन चौकीदार से हमने बात की थी वो भी चौकीदार अब दोबारा अंदर जा रहे हैं। तो हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं फिर से। तो अभी तो हमें डर ही लग रहा है वैसे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है हमारा। तो ये जो चौकीदार हमने किया है नोटिस, ये सीढ़ियों के पास ही बैठता है, कभी गेट के पास नहीं बैठता या फिर कहीं और नहीं बैठता, क्योंकि उनको भी डर लगता है कि भाई हम नहीं, इन्होंने खुद हमें बोला था कि हम नहीं बैठ सकते यहाँ पे, यानी कि हम ज़्यादातर यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है, ऊपर से यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा डैमेज हुआ हुआ है, यहाँ पे शीशे वगैरह सब टूटे हुए हैं। और लोगों का कहना है कि रात के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। तो जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था जब हम यहाँ से गए थे, तो इस कमरे में हमने ज़्यादा एक्टिविटी देखी थी। एक तो बेंच वगैरह हिल रहे थे, दरवाजे वगैरह खटखट रहे थे। यह अभी आवाज़ आना शुरू हुई है, मुझे लग रहा है इसी कमरे से शुरू हुई है। अभी हम देखते हैं। दरवाज़ा खोल कर देखते हैं। अभी यहाँ पे टूटा हुआ यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर तो अभी कोई नहीं है। इस कमरे की हमें ज़्यादा बताया गया है कि यहाँ पर ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज़्यादा होती है रात को, तो मगर यहाँ पे हम अंदर जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जो ताले की चाबी है तो वो चौकीदार के पास नहीं है, वो एक्चुअली गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बिल्कुल बंद किया हुआ है। एक यहाँ का दरवाज़ा, यहाँ के सारे दरवाज़े बंद किए हुए हैं यहाँ पर भी, और ये जो दरवाज़ा है वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर भी यहाँ पर रात को पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है, खासकर सीढ़ी के ऊपर से होती रहती है। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक्टिविटी रात को देखी जाती है, खासकर जो हमने पूछताछ की थी सामने ये फौजियों से, जो कि आप देख रहे हैं सामने जो आर्मी एरिया की लाइन है यहाँ पे। तो यहाँ पे फौजियों से हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रात के टाइम पे देखा गया है कुछ लड़कियों को जो बिल्कुल सफ़ेद लिबास पर होती हैं, और यहाँ पे कुछ आवाज़ें निकाल के गायब हो जाती हैं। और बोल रहे हैं कि पूरी रात के टाइम पे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है यहाँ पे, और सुबह 6 बजे के बाद यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये अभी आवाज़ आई है कहीं से, शायद हमें यहाँ से ही है। कहाँ से आई अभी हमें कुछ आवाज़ पता नहीं चल रही है। कहाँ से आ रही है कुछ पता नहीं, शायद इस ध्यान से सुनिए आवाज आ रही है यहाँ पे इस कमरे से। कौन है यहाँ पे?
कौन कौन हो? कुछ पता नहीं चलता था कि यहाँ से आ रही आवाज़ या फिर यहाँ से आ रही आवाज़ है। आप कौन हो? यहाँ से आ रही आवाज़ आ रही है यहाँ से। ये देखिए